नहीं तो वोट नहीं भाई, हमारा ये है कि रोड नहीं है तो वोट नहीं, क्योंकि रोड से हमें कहीं बहुत ज्यादा असुविधा है, वोट हमारे अनुसूचित जाति से सिरवाणी गांव की नहीं पड़ेगी। मैं लोग तो बार बार पासन भाया और गौर मुला नहाना सर तो मेरे शेप दिन थी अरे तीन किलो राशन ना तो सोचो यो ते क्यों ना हमें सो घट होना गांव में लोग क्या आज रुद्र को गुप्त का सर गुप्त का सी गांव में हमारा गांव में तो कुछ विकास नहीं हुआ, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, पानी हम तो साल ना पानी ना हम तो कुछ नहीं बट नहीं घट नहीं हम तो अकेला जाओ पर ना हम तो कुछ नहीं पानी भी नहीं ना रास्ता से हमारे आना ना स्कूल 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 तो छे अस्पताल अस्पताल संध्या ठीक ठाक तुम कब बिछना है दीदी बड़े बेटी अच्छा तो क्या आज को कहाँ लगी हिसाब किताब तुम देता हिसाब किताब जनवा रखा ना चिंता काम नहीं आम चलन विकास हो गों को सब ठगदान सब बिलोदान ना तभी तुम होना बहुत बहुत गरीब छे कति अंजन जो आवास नहीं मैं चाहूँ सरकार से हाथ जोड़ी तो आवास मिली चाहिए सब गरीब आदमी तक आवास तो तब मिली जो इधर उन जगह ली सरकार बोली वो विकास तो मंजूर आवास आवास नहीं हमारे बहुत खाओ दाओ कौन सा आवास है बगैर जाना जगह नहीं है लिखाई बात लिखाई अब वो तो मकान दियो ना साफ कैसे चल अंदर में लेने मकान और गांव आ कति मवास वाला कति परिवार से ऐसे लोग ना ऐसे ये हम लोग अच्छा ये हम आया अच्छा कुछ भी कहा था नहीं तो क्या था ये बताओ हम लड़ा अनपढ़ ये पढ़िया नहीं क्या मैं कोर्स करना रुपया मैं स्कूल पढ़ना रुपया सौ साल में तन में मरी माली भी मर तन में मरी अल्लाह भी मर तन में बेरोजगार हमार पीढ़ी अगले कर के जा तो थोड़ा बहुत तो हम तो ज्यादा नौकरी सरकार ज्यादा नौकरी नहीं सरकार जब तब ऐसी ये कोई रोजगार हर बात बता तुम जल्दी जावर पार बहुत ज्यादा दे गई अगर सरकार एक काम करो कि चाहे भले रहने पानी बंद कर दो पर तो सर गोणी बांध लगो फंड लियाओ तो हम अपनी खेती कैसे करो हम अपनी खेती कर रहे हैं मतलब कुछ क्या दिखा रहे हैं कुछ अनाज हमारा पर मेहनत करी था कुछ करी तो ना बानर तो भी नहीं रोकना हम और सरकार भी तीन किलो दोनी तो कहीं ना जाना हमारे मना दिन नहीं गरीब आदमी बेरोजगार आदमी चिन बड़े बात है यार कि उधर जो चोर अब तो जो चोर जरा मेरे ए दीदी बोले वो सरकार जाने जो चोर अलवा के बिटिया आलू हल्दी जीरो तेल रिफाइंड और गैस सिलेंडर पैसा आता है विधान को अरे तो मैं कैसे लेनर बन क्या मैं राशन खान और क्या मैं लड़ा अन्य बन अरे मैं तो दो से मैं चालीस अन्य तक आप पैसे नहीं चालीस बस बाद में खत्म होएगी पांच साल दो दो रोज़ पांच मैंने दो दो रोज़ पांच मैं दिल्ली का आंसू लेने का हूँ हाँ अरे तो मैं ब्लॉक चल तो सरकार तो सो दिल्ली का आठ बनी हो चुके पर तो खाओ नहीं चलो दगर मार दिन बीमार से दिल्ली इंसान मैं जो दिन छह सौ रुपये से पनी अलग मिलते का रुपये भी नहीं मिल रहा अब सभी बंद हुए कि अब तो चल जो पर सब आया मिल रहा था ये था क्या क्यों से मैं आगे दिखा चल अच्छा जो वो ही था बुकर में टेंशन में मैं से गट होना गर्द बांधने से नहीं पड़ा अच्छा कि मैं बोलू तीन रुपया अब तो शुद्ध दुखा नहीं पड़ो तो क्या पहले वो तीर राशन है तीर राशन अरे तुम क्या बोलते कि पराठी का चौल नमस्कार सर मैं देवली बड़ी ग्राम से जयेश कुमार बोल रहा हूँ और हमारे घर में हमारे गांव में अनुसूचित जाति के हम और देवली बड़ी ग्राम जो सिरवानी है उसमें ना तो पानी की पानी आता है वहाँ पे बरसात में ना रास्ते सही है और ना मोटर मार्ग है कम से कम डेढ़ दो किलोमीटर हमारे यहाँ से पैदल का मार्ग है चलाई चलनी पड़ती है उसमें जो गर्भवती महिला बुजुर्ग और जो मतलब नव युवक है नव युवक दो प्रयास करते हैं अपनी ये फौज की तो वो नहीं हो पाते ना कोई ग्राउंड है ना कोई खेल कूद है यहाँ तक कि अनुसूचित जाति के लिए भांडे बर्तन जो होते हैं वो कुछ नहीं है कुछ नहीं है और मैं यहाँ पे जो मुख्यमंत्री सर आए थे आज तो मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि हमारे जो अनुसूचित जाति है पहले तो सड़क हमारे यहाँ कहीं विधायक कहीं लोग आते हैं निरीक्षण करते हैं निरीक्षण करने के बाद तुरंत ले जाते हैं उसके बाद जब यहाँ पे कोई वोटिंग का काम होता है जब कोई विधायक निधि आती है तब जाके वहाँ पे थोड़ा बातचीत करते हैं उसके बाद लेकिन उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं विशेष प्रकार से अनुरोध करता हूँ कि हमारे गांव में जो सिरवाणी गांव है और देवलुबनी ग्राम सभा के अंतर्गत आता है तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जो कि चुनाव से पहले जो चुनाव है उनसे पहले कि हमारे यहाँ मोटर मार्ग का कार्य शुरू किया जाएगा और
किया जाए और अगर यदि अगर ऐसे होता है तो वोट हमारे अनुसूचित जाति से सिरवाणी गांव की नहीं पड़ेगी। मान्य कई बार आते हैं कई बार जाते हैं लेकिन हमारी कहीं नहीं कोई नहीं सुनता। ये बात ठीक बोल रहा है। सड़क योजना चाहिए, सड़क रोड का जो है कि पहले रोड जब आती है तब गांव का विकास होता है। मेन रोड है 1.5 किलोमीटर हमारे जो देवलीवनी ग्राम जो सूचित जाति है उसके ऊपर, उससे ऊपर क्योंकि हमारे जो गर्भवती महिला हैं उनको चलने में दिक्कत होती है, कहीं दूर अगर हमें ले जाना है तो हमें बहुत परेशानी होती है, रास्ते संकरे हैं जो कि चल नहीं पाते हैं। कितने वर्ष के हैं आप? अब मैं सर 26 साल का हूँ। पढ़े लिखे कितने आप? मैं हाई स्कूल हूँ। क्योंकि आपका बोलने का तजुर्बा बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू।